हेलो फ्रेंड्स, आप कुंडली भाग्य में देखेंगे नया एपिसोड जो कमिंग ट्विस्ट आने वाला है। तो प्रीता को पता लग जाएगा कि राजवीर ही मेरा बेटा है, लेकिन राजवीर को भी पता नहीं है कि प्रीता मेरी माँ है, और काव्या को भी नहीं पता है कि प्रीता उसकी बेटी है, माँ है। तो आज हम देखेंगे कि प्रीता उससे जो सौर्या है उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम केस वापस ले लो और करण राजवीर को छुड़ा दो। आप पुलिस से जाके भी कहती है कि राजवीर दोषी नहीं है, आप लोग उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी पुलिस वाला उसका बात प्रीता का बात नहीं मानता और कहता है कि जिसने केस किया है उसको आप बोलिए कि अपना केस वापस ले ले, उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ के प्रीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अब सोचती है कि मैं क्या करूँ। और सारी बचपन की जो सौर्या और जो राजवीर के जो उसके बेटे हैं, उस सारे बचपन की बातें याद करने लगती है कि मैंने कैसे बच्चों को पाला था, कैसे जन्म दिया था, सारी बातें याद करने लगती है। और उसमें है कि जो सौर्या है वो केस अपना वापस लेने को तैयार नहीं है। तो इस पे करण भी जाता है कि अपने बेटा राजवीर से मिलने के लिए, और कहता है कि मैं राजवीर को मैं छुड़ाऊँगा, क्योंकि जो सौर्या है वो केस वापस नहीं ले रहा, नहीं छुड़ा रहा है। तो बाद में करण ही राजवीर को छुड़ा कर बाहर लेकर आएगा, और जो ऋषभ है वो भी जाता है छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छुड़ा। लेकिन फाइनली राजवीर उसको छुड़ाता है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि पता लगने वाला है कि कौन मतलब प्रीता का बेटा है, और राजवीर को पता लगेगा कि कौन उसकी माँ है। तो आप लोग इस एपिसोड को देखना। तो अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बिल्कुल कमिंग एपिसोड बिल्कुल धमाकेदार आने वाला है। तो चैनल वीडियो को देखिए, और क्या एपिसोड आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कुंडली भाग्य ना देखना भूले, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्विस्ट आ रहे हैं, कमिंग ट्विस्ट आ रहा है। तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।